भारतीय जनता पार्टी आगे ही चलेगी, क्योंकि जनता ने 15 महीने का जो कार्यकाल था कमलनाथ जी का उसको देखा है। उस समय जनता के साथ जो लूट हुई है उस लूट को जनता ने देखा है। जनता जो परेशानी थी उस परेशानी को उनने देखा है। जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी वो सारी कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, और उन गरीबों की दुआओं की वजह से ही वापस स्थायी रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जहाँ के रिजल्ट खुल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़त नज़र आ रही है, और ये बढ़त लोगों ने जो मन से वोट दिए हैं उसकी वजह से ये बढ़त है, और ये बढ़त आगे ही बढ़ती रहेगी और मुख्यमंत्री स्थायी रूप से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बनेंगे। कमलनाथ जी मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं, वो देखते रहे, क्योंकि कमलनाथ जी की कथनी और करनी में अंतर है। जो कमलनाथ जी ने कहा था किसानों के 2 लाख रुपए तक के सारे कर्जे माफ़ करूंगा, तो उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए थे। उनने कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। सहायता समूह ऋण माफ़ करेंगे, दूध उत्पादकों को 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, ये सब काम उन्होंने कहे थे वचन पत्र में। ऐसे लंबे वचन लिखे थे, वो वचन पूरे नहीं किए हैं। इसलिए कमलनाथ जी की कथनी और करनी को में फ़र्क है और जनता उसको समझती है, इसीलिए कमलनाथ जी को हटाया है। लगभग 18-20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, और स्थायी रूप से मुख्यमंत्री जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं गरीबों की बंद हुई थी उन सबको चालू करेगी। हम देख रहे हैं कि जहां सुमासरा और हाटपिपलिया मैंने स्वयं काम करने गया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सुहासरा और हाटपिपलिया दोनों सीटें हम जीतेंगे। क्यों? इसी प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में 28 सीटों पर काम करने गए थे, उनने कर्म किया है और लोगों का दिल जीता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं लोग, और भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान स्थायी मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज तो खुशी का दिन है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, उनकी मेहनत को परिश्रम को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी तो पेटियाँ खुल रही है और रुझान अभी आना बाकी है, दोपहर 12 बजे बाद स्थितियाँ स्पष्ट होगी। और जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया है और जनता के विश्वास पे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े उतरेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। प्रदेश की जनता किस तकलीफ़ों में जी रही है ये तो जनता जान रही है। और रहा सवाल खाता खुलने का, तो कभी कभी पहली बोनी ऐसी हो जाती है कि आदमी का दिन भर ख़राब जाता है। तो ये खाते खुलने वाली बातें तो छोड़ो, अभी 12 बजे बाद स्थितियां स्पष्ट होगी, उसके बाद जो है प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आएगा कि प्रदेश की राजनीति कैसी रहेगी। अभी 12 बजे बाद ही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम टीवी के माध्यम से जो रुझान देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है उसमें मैं तो पूरा इस तरह बता रहा हूँ कि सरकारी मशीनरी वगैरह ने सब बीजेपी का साथ दिया है और धन बल का पूरा, बाहुबल का पूरा उपयोग हुआ इस चुनाव में।